मैं भी तेरे फोन बाद में देख लियो। पापा आ गए बेटा, अब तो फोन तू देख, मेरे फोन वापस कर दे, फोन वापस कर दे मेरा। हां छोड़ मेरा, मैं गाना सुनता हूं। मेरी बात सुनने को मेरा, अरे नहीं पापा, पापा आ रहे, पापा आ रहे, अब तू देख, रुक जा, मैं तेरे गाने में बंद कराऊंगी, तेरा मुंह तोड़ूंगी मैं। पापा पापा इसको देखना, ये मुझे पढ़ने नहीं देता है। मैं तुझे बोला था ना स्टडी रूम में जाके पढ़, पापा इसको नीचे ही पढ़ना है, जहां मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं वहीं पढ़ूंगी। मेरा फोन तू ना वापस कर दे राजुल। पापा देखो कौन फोन में लगा लिया, करना अपने फोन दे मेरा वापस। पापा ऊपर जाके नहीं पढ़ रही थी तू, क्यों इतना लाउड म्यूजिक सुनते, ऊपर भी तो आवाज आएगी। क्यों आएगी ऊपर? आएगी आवाज, तू ऊपर जाके पढ़ ले, स्टडी रूम स्टडी के लिए होता है। पास कर रही है तो क्या हो रहा है? सुनो जाते दोनों, चुप बैठो। आगे से मेरे फोन को हाथ में लगा लो, दिखता नहीं है पापा धक्के आए हैं। अंदर जाओ राजुल। उर्वी तुम ऊपर जाओ, जाओ। कैसे हैं बाबूजी? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। ₹5 लाख का खर्चा है। 5 लाख? दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना है तो खर्चा तो होगा ही ना। सुधीर ने वो मुझे ही देने के लिए बोला है। नर्वस लग रही है क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है ना, टेस्ट अच्छा हो या बुरा। मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तेरी तरह ना फालतू की टेंशन नहीं लेता। बेटे जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तब पता चलेगा तुझे। अबे ओ सिलेक्शन मेरे दुश्मनों का नहीं होगा। आई बड़ी। नमस्ते गुप्ता जी। हाँ वो लोन के लिए कहा था ना आपसे, क्या तो जरूरत है इसे? जी इसीलिए तो कहा था आपसे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं हाँ देखिए क्या है, अगर हो जाएगा तो बड़ी आसानी रहेगी, और फिर मुसीबत में आप नहीं तो काम आते हैं ना। हाँ देखिए पेपर वगैरह तो है मेरे पास। चलो बेटा जी, लेट नहीं हो रहा है, चलो चलो। हाँ हाँ निकलो। हाँ नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं समझ। हाँ हाँ ठीक है नहीं कोई बात नहीं ठीक है। हेलो। हाँ हाँ वो हाँ मैं करता हूँ। मैं सॉरी मैं 10 मिनट बात करता हूँ। हुआ कुछ? प्लॉट पर भी लोन है, बैंक की एक दो किस्तें भी नहीं दी। बैंक वाले लोन देने से पहले 1000 पेपर्स मांगते हैं। परेशान मत होइए,
हो जाएगा। पापा मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे हाँ, तू तो 16 का हो जाएगा ना? जी 16 का नहीं, 17 का हो गया। हाँ, आपको तो अपने बच्चों की एज भी नहीं पता जी। अरे इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। बोल क्या चाहिए तुझे? पापा मुझे ना बर्थडे पार्टी देनी है फ्रेंड्स को। अरे फिर घर पे बुला लेना, 2-3 अच्छे से स्नैक्स बना दूंगी। मम्मी घर पर नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स ना बाहर पार्टी देते हैं, मैं खा कर आ जाऊँ तो कभी पार्टी नहीं देता। एक काम करना, मत खाया कर, तू जाया ही मत कर। मम्मी चुप करा लो इसे। अच्छा झगड़ा मत करो अभी। कितना खर्चा आएगा? पापा 12-15 फ्रेंड्स हैं मेरे, तो अगर बड़े रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो 7-8 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। 7-8 हज़ार? हाँ। मम्मी अगर ये बाहर पार्टी देगा ना तो फिर मैं भी दूंगी इस बार, मुझे नहीं पता। देखो टेस्ट के रिजल्ट आ जाने दो फिर देखते हैं। अरे रिजल्ट का पार्टी से क्या लेने देना? अरे बोला ना एक बार, समझ में नहीं आता क्या? रिजल्ट के बाद देखेंगे, चुपचाप से खाना खाओ। क्या सोच रहे हैं? लगता है प्लॉट बेचना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? उन पैसों से बाबूजी का ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा और बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें बच्चों के नाम एफडी कर देंगे, उनकी पढ़ाई भी तो है। और ड्रीम हाउस? ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरा रैंक अच्छा ही आने वाला है। अजीब अजीब सा फील हो रहा है यार, बड़ा समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उरी उरी उरी, इस बात की एक्साइटमेंट है यार। अरे चलो रिजल्ट देखते हैं। मेरे तो पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, मेरे को नहीं देखना। चल हम देखते हैं, मेरे को बता देना। ए बंटी, हां लास्ट में तू भाई आराम से। हां नहीं। अच्छा सुनिए, कुछ बात बनी क्या? ब्रोकर से बात की है प्लॉट बेचने की, खरीदार ढूंढ रहा है, कोई मिल गया तो 7-8 दिन में डील हो जाएगी। अच्छा उर्वी के टेस्ट के रिजल्ट आए हैं, परेशान है, खाना भी नहीं खाया। ठीक है करता हूँ बात।
रुबी, इस बार तेरे रैंक कम आ गए तो क्यों टेंशन ले रही है? नेक्स्ट टाइम तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। खुशी हो रही है ना मुझे बहुत ज़्यादा? हाँ, तू ये चाहता था ना कि ये सब हो मेरे साथ। खुशी क्यों होगी मुझे? यार वो तो मैं मजाक में बोलता। मजाक ही तो है यार तेरे लिए सब कुछ। सब कुछ मजाक है ना, क्योंकि मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मम्मी पापा एम्बैरेस हो जाते हैं। तेरे मार्क्स कम आते हैं तुझे किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों बकवास कर रही है तू? पागल हो गया क्या? तुम दोनों के झगड़े, तुम दोनों की लड़ाइयां, सिर्फ तुम दोनों नहीं रहते हो इस घर में, हम भी रहते हैं। कभी सोचा है घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है? कभी पूछा किसी ने? आप ठहरिए जरा, बोलने दीजिए मुझे। तुम्हारे पापा इतने दिन से परेशान है, किसी ने एक बार भी उनको पूछा कि पापा क्या प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प कर सकते हैं? एक बार भी उनके चेहरे की तरफ देखा किसी ने? अगर देखते ना तो ये इन छोटी छोटी चीजों पे लड़ नहीं रहे होते तुम लोग। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना दोनों में, तो एक दूसरे को तंग करने की बजाय सपोर्ट कर रहे होते। अगर पता होता कि दादाजी के ऑपरेशन के लिए पापा अपना ड्रीम होम वाला प्लॉट बेच रहे हैं, तो अपने बर्थडे पार्टी के बारे में सोचते तुम? इन दोनों से तो बात करना भी बेकार है। चलिए आप यहां से, चलिए आप यहां, यहां पे नहीं रुकते आप। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, यहां पे नहीं रुकते। हाँ तो भाई, रिजल्ट आ गया सब लोगों का? Yes, sir. कुछ सुधार आया? Yes, sir. ये आवाज धीरे आई थोड़ी। खैर कोई बात नहीं, मेन एग्जाम नजदीक आ गया है, चीजें थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, पेट में गुड़गुड़ हो रहा होगा, मन खराब हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो मम्मी पापा से किटकिट हो, भाई बहन से लड़ाई हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए। ये बहुत असर है इसका, पक्का आया है। खैर पबजी का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने का तुम्हें याद आया होगा, ये सब चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। पर एक बात ना याद रखना कि अगर तुमने अपना 100% दिया तो चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, पर ट्राई करने का सुकून जीवन भर रहेगा। और अपने एक्सपीरियंस से बता दूं तुम्हें कि ये जो मेहनत करने की तुम्हारी आदत है ना, ये तुम्हें लाइफ में जरूर आगे ले जाएगी। मन बैरी तन बैरी हो गया, जगत समेत मोह करूं जब को से दूर तभी सो हो।
झर बह गए, सपने झर झर बह गए, मोती से पिरोए सपने सारे बह गए, सपने बह गए। झर झर बह गए सपने झर झर बह गए, मोती से पिरोए सपने सारे बह गए, सपने बह गए। मन बैरागी बैरागी हूँ जो ख्वाब मेरा टूटा, बस दूर ये कैसा मौला जो मझधार में यूं छोड़ा। जाऊं तो जाऊं मैं कहां, आंसू छुपाऊं मैं कहां, क्यों बिन माझे की पतंग सा उड़ रहा यू बेचैन मन मेरा। झर झर बह गए सपने झर झर बह गए, मोती से पिरोए सपने सारे बह गए, सपने बह गए। आ गए, पानी लाते हैं। पापा ये हमने ना कुछ पैसे सेव किए हुए हैं, तो कुछ 15,000 रुपीज़ होंगे। हम सोच रहे थे कि दादाजी के ट्रीटमेंट में दे दें। पापा हमें पता है कि ये कम है, और हम सोच रहे हैं कि हम स्कूटी भी बेच देते हैं। कोचिंग पास में है ना, तो हम बस में जा सकते हैं। हाँ पापा, वैसे मुझे कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं तो 2 साल से प्रिपेयर कर ही रही हूँ ना। मैं भी पापा, JEE भी बहुत ईजी है, मैं भी खुद पढ़ लूँगा। हाँ और पापा, इन सब से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और बाकी का मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी। क्या हुआ पापा? पापा आप क्यों रो रहे हो? पापा मत रो प्लीज। क्या हुआ? मैंने प्लॉट बेच दिया। कोई बात नहीं पापा, इट्स ओके। अब रो मत। तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। पापा प्लीज। ऐसे नहीं है। कुछ पापा किसी के लिए कुछ नहीं कर पा। पापा प्लीज मत रो। पड़े तो जीवन में कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया। पापा प्लीज, पिताजी बीमार है। मत रो। सॉरी विद्या, सपना पूरा थी। सॉरी। क्या कह रहे हैं आप? और आज तक जो जो सारे सपने पूरे किए उसका क्या? हाँ शर्मा जी, प्लॉट का क्या है? अपने बच्चों की तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए।
ऐसी फैमिली हो ना तो प्लॉट दूसरा भी बन जाएगा। क्यों? मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि हम इससे भी बड़ा प्लॉट खरीद लेंगे, आप टेंशन मत लो। पापा आप रोते हुए बहुत फनी लगते हो। लग रहा है एक थप्पड़ खींच के मारूं इसको। सॉरी पापा गलती से मुंह से निकल गया। पापा मैं कह रही हूँ मौका सही है, मार दो एक, खींच के मार दो इसके। मार दो? मार दो मार दो। तो क्या अपनी दुश्मनी तो नहीं निकल रही उससे? नहीं मेरा दुश्मन थोड़ी है, मेरा तो भाई है, मार दो। भाई हुँ? भाई हुँ? नहीं लग रहा हाँ। अरे नहीं नहीं हाँ हाँ बताने वाला था अब। अरे गुस्सा क्यों कर रहा भाई? अरे सुन तुम, अरे क्या हुआ, किसका फोन था? त्रिपाठी का फोन था। क्या कह रहे थे? बोल रहा था कि तू मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझता, कह रहा था कि तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे बताना चाहिए था। वो कल बैंक में पैसे जमा कर रहा है, अब प्लॉट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्रिपाठी जी हाँ कैसे मतलब? पता नहीं कैसे कैसे उसको कैसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं। एक्चुअली पापा वो त्रिपाठी अंकल को उनके दामाद ने बता दिया होगा ना। दामाद? हाँ हाँ त्रिपाठी जी का दामाद है ना, उसने बता दिया होगा। सुलेखा की शादी हो गई? नहीं नहीं शादी तो नहीं हुई है, पर दामाद है ना वो फिक्स हो गया है। हाँ अरे आप पहचानते हैं ना उसको, दुबला पतला सा लायक एकदम पढ़ाया हुआ है। इतना भी नहीं है बेटा। हाँ, है मतलब अपनी बहन को तो बहुत परेशान करता है और माँ बाप को भी बहुत परेशान करता है। इतना लाउड म्यूजिक, इतना लाउड म्यूजिक, ओह माय गॉड। अच्छा 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 रुक जा रुक जा रुक जा, कहीं वो लड़का ये तो नहीं है? दामाद से पूछ लीजिए। फनी तेरा चेहरा लगता है फनी। यार हर किसी का अपना एक छोटा सा ड्रीम हाउस बनाने का सपना तो होता ही है ना, और अगर वो पूरा ना तो दिल टूट सा जाता है। सही में यार, पर इतनी प्यारी सी फैमिली हो किसी की तो उनका कोई सपना कैसे टूट सकता है। अब देखो ना कैसे त्रिपाठी अंकल का फोन आया और घर बिकने से बच गया। सही बात है यार, हमारी भी देखो कितनी प्यारी सी फैमिली है। अरे अपनी आरबीसीजे फैमिली जो हम सबको इतना प्यार देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छी अच्छी कहानियां लेके आ सकें। बिल्कुल, आरवीसीजे की पूरी टीम खट्टा मीठा को इतना प्यार देने के लिए दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती है। और आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां लेके आते रहेंगे जो आपको हंसाती रहें और रुलाती रहें। बस तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, कीप सब्सक्राइबिंग टू आरवीसीजे।